आपका ET Now स्वदेश पर, मैं हूँ आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आपको बताएंगे ग्लोबल मार्केट से इस वक्त कैसे संकेत मिल रहे हैं सुबह सुबह, साथ ही खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं और ब्रोकरेज की नजर कहाँ पर है ये भी हम आपको बताएंगे, साथ ही कमोडिटी मार्केट का एक्शन और ट्रेडिंग के लिहाज से आज मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं ये भी हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। पिछला हफ्ता तो काफी छोटा कारोबारी सत्र था जिसके चलते हमने काफी ज्यादा एक्शन भी उसके चलते देखा और इवेंट्स भी काफी सारे थे, लेकिन इस हफ्ते भी काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे जिस पर की हमारी नजर रहेगी। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से और इस वक्त हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों की शुरुआत काफी मिली जुली हो रही है। एक्सचेंज निफ्टी इस वक्त सपाट है लेकिन लाल रंग में दिखाई दे रहा है, 15 अंक नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है एक्सचेंज निफ्टी। हांगकांग के बाजार आज बंद रहेंगे लेकिन दूसरे इंडाइसेस अगर देखें तो वो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। कॉस्पी, निकाय और शंघाई के बाजार हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं लेकिन एक्सचेंज निफ्टी इस वक्त कमजोरी के संकेत दे रहा है। ग्लोबल बाजारों से अगर अन्य संकेत देखेंगे तो वो भी काफी मिक्स्ड हैं। अगर यूरोप के बाजारों की अमेरिकी बाजारों से शुरुआत सबसे पहले करते हैं तो अमेरिकी बाजार कल हमने देखा कि माफ कीजिएगा गुरुवार को, क्योंकि शुक्रवार को तो ग्लोबल बाजार बंद थे गुड फ्राइडे के मौके पर, लेकिन थर्सडे को हमने देखा कि अमेरिकी बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बंद है और ओवरऑल हफ्ते की जो क्लोजिंग भी हुई वो भी काफी पॉजिटिव नोट पर हुई है। इस बीच वहां पर नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े भी आए जिसमें कि हल्की बढ़त देखने को मिली, 2.36 लाख की बढ़त वहां पर आई है, 2.38 लाख का अनुमान था और अनएम्प्लॉयमेंट दर भी 3.6% से गिरकर 3.5% की आई है और यहां पर भी हमारा 3.6% का ही अनुमान था। तो ये जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं इससे माना जा रहा है कि मई में फेड ब्याज दरों में बढ़त जरूर कर सकता है लेकिन 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त यहां पर देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल फेड के फैसलों का असर अब धीरे धीरे दिखना शुरू हुआ है, बट थोड़े कुछ पॉजिटिव आंकड़े आए हैं इस पर, इस वजह से हम देखेंगे कि मई में भी होने वाली बढ़त में ब्याज दरों में बढ़त की पूरी पूरी संभावना है। इसके अलावा 12 अप्रैल को सीपीआई के भी आंकड़े आएंगे और इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो ये कुछ अहम आंकड़े हैं। इसके अलावा यूरोप के बाजार में देखेंगे तो वहां पर काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली, पॉजिटिव क्लोजिंग रही तीनों ही इंडाइसेस में। अन्य संकेतों को देखेंगे तो नॉन फार्म पेरोल के जो आंकड़े हैं उसके बाद बॉन्ड यील्ड्स में हल्की बढ़त हुई, डॉलर इंडेक्स ऊपर आए 102 के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहा है और डॉलर में मजबूती आने के बाद हमने देखा कि सोने में हल्की नरमी आई। हालांकि सोने के लिए पिछला पूरा हफ्ता काफी शानदार रहा, $2,000 के ऊपर के भी लेवल्स हमने देखे और अभी भी उसके ऊपर ही टिके हुए हैं सोने के लेवल्स, बट हल्की नरमी हमने वहां पर भी देखी। और कच्चे तेल में लगातार तेजी जारी है, $85 के पास अभी भी कच्चा तेल कारोबार कर रहा है और लगातार तीसरा हफ्ता था जब हमने देखा कि कच्चे तेल में पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। तो ये कुछ संकेत हैं, काफी मिक्स्ड हैं लेकिन आने वाले समय में कुछ आंकड़े आएंगे जिस पर की हमारी नजर रहेगी। अन्य खबरों पर नजर डालें तो कुछ ग्लोबल मार्केट से जुड़ी कुछ अहम खबरें भी आ रही हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन से जुड़ी भी खबरें आ रही हैं। इसमें इस बीच हम देख रहे हैं कि चीन के दूसरे दिन की जो मिलिट्री ड्रिल है वो आज सुबह से शुरू हो चुकी है। ताइवान का भी कहना है कि जो भी ड्रिल चल रहा है और यहाँ पर ड्रिलिंग हो रही है उस पर उनकी कड़ी नजर बनी हुई है, तो ये एक अपडेट आया है। इसके अलावा टेस्ला की तरफ से भी काफी सारे अपडेट आ रहे हैं। टेस्ला ने जनवरी से लेकर लगातार 5वीं बार यूएस में दाम कम किए हैं, अच्छी मांग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पर। टेस्ला की चीन में नए प्लांट लगाने की तैयारी है और 2024 तक चीन के नए प्लांट में उत्पादन शुरू भी हो चुका होगा। ये अब उस समय हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि यूएस चीन के बीच भी कुछ टेंशन चल रही है और इस बीच इस तरह की खबरें आ रही है कि यहाँ पर एलन मस्क चाइना में विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट, यूक्रेन की पहली डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर 9 अप्रैल से भारत दौरे पर हैं, तो इस बैठक पर भी नजर रहेगी, काफी कुछ बड़े बयान यहाँ पर भी निकल कर आ सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। तो चलिए इस वक्त संकेत देखें तो ठीक ठाक ही हैं, काफी मिक्स्ड क्यूज इस वक्त देखने को मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। तो इनको देखते हुए आज भारतीय बाजारों की शुरुआत इस हफ्ते की कैसे हो सकती है इस पर भी नजर रखेंगे। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि FIs और DIs की तरफ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। ये 6 अप्रैल के आंकड़े हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि कैश मार्केट में FIs की तरफ से करीब 475 करोड़ की खरीदारी हुई है, तो ये खरीदारी का आंकड़ा है FIs की तरफ से। लेकिन DIs ने कैश मार्केट में 997 करोड़ की बिकवाली की है, इंडेक्स फ्यूचर में खरीदारी का आंकड़ा है
190 करोड़ का, वहीं इंडेक्स ऑप्शन में FIIs 5051 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। तो यहां पर भी जो FIIs कैश मार्केट में जो बिकवाली है वो अब कहीं ना कहीं थम रही है और आज खरीदारी का आंकड़ा दिख रहा है जो कि पॉजिटिव है। अब इसको देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें, ये समझाने के लिए हमारे साथ नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं। नितिलेश, थैंक यू सो मच जीना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज, बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह से ट्रेड लें? गुड मॉर्निंग मैम। अगर हम लोग लेवल्स के हिसाब से बात करेंगे तो लेवल्स हम लोग काफी ऊपर आ चुके हैं। लास्ट शो में मैंने कहा था कि ये लेवल सेलिंग का नहीं है, लेकिन अभी का जो लेवल है वो मेरे हिसाब से बाइंग का भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहिए मार्केट। और ऊपर में अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,650 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है और नीचे में 17,550 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ऑलरेडी हम लोग शॉर्ट है मार्केट के ऊपर और मेरा एक राय है कि अगर मार्केट आज थोड़ा कुछ फ्लैट या फिर गैप ओपन होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बिकवाली करने की आप कोशिश करें। ऊपर में एक 100 पॉइंट का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा ले और टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि एक बार हम लोग 17,200 और 16,900 एक बार जरूर टेस्ट करना चाहिए अप्रैल में। वो कुछ पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव न्यूज के हिसाब से भी हो सकता है, तो आपको ऊपर में इस लेवल के ऊपर अपने फ्रेश लॉन्ग्स जो है उसको नहीं बनाना है, फ्रेश आप शॉर्ट्स इस पोजीशन के ऊपर बना सकते हो। रही बात बैंक निफ्टी की, 41,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे अगर बाजार फिसलता है तो आज या फिर कल ये दो दिनों में हमें 40,600 मतलब 400 पॉइंट का डीप एक देखने को मिल सकता है। ऊपर में 41,200 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, मेरे हिसाब से मार्केट इसको क्रॉस नहीं करेगा, उसी लेवल से 50 पॉइंट ऊपर नीचे वहीं से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो मार्केट अब रिवर्स हो सकता है यहाँ से, थोड़ा कॉशियस हो जाइए। निफ्टी 17,650 ये एक अहम रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है, यहाँ से अब आप खरीदारी मत करिए, फ्रेश लॉन्ग मत करिए, बिकवाली नजर आ रही है और 17,000 के नीचे भी बाजार इस वक्त टेस्ट कर सकता है, तो ये भी एक लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। और बैंक निफ्टी में भी इम्पोर्टेंट लेवल्स जो है वो 41,000 के हैं और वहाँ से ऊपरी स्तरों से थोड़ी बिकवाली आ सकती है, ऊपर की तरफ 41,200 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेश लॉन्ग करने का समय नहीं है, थोड़ा कॉशियस और सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि नीचे की तरफ प्रेशर आ सकता है बाजार में। नितिलेश, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चले? हम अल्ट्राटेक में बिकवाली करने की राय होगी, 7,700 के आसपास बिकवाली करनी होगी, स्टॉप लॉस जो होगा वो 7,770 का होगा, टारगेट अगर हम लोग बात करेंगे तो 7,500 का होगा, कंडीशनल सेल होगा। आज के दिन मार्केट थोड़ा सा 7,700 के ऊपर ओपन होना चाहिए, उसके बाद अगर ये 7,700 को ब्रेक डाउन करेगा तभी इसमें बिकवाली प्लान करे और 7,500 के टारगेट के लिए आप पोजीशंस को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। ठीक है नितिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया में बिकवाली की राय आ रही है अल्ट्राटेक सीमेंट पर, 7,500 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। तो ये थी मार्केट पर रणनीति और ओवरऑल आज मार्केट थोड़ा कमजोर ही नजर आ रहा है, एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है इस पूरे हफ्ते अगर देखें तो, कुछ नेगेटिव खबर भी आई तो उसको एक ट्रिगर मिलेगा सेलिंग प्रेशर के लिए मार्केट में। अब आगे बढ़ेंगे और ये तो थी बाजार पर रणनीति, लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इस दौरान क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था ये और इस दौरान काफ़ी सारे बिजनेस अपडेट आए, काफ़ी ढेर सारी खबरें भी आई हैं और एक पूरा अपडेट ले लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शरद गुड मॉर्निंग। काफ़ी ढेर सारी खबरें और अपडेट्स आ रहे हैं, सबसे पहले तो चौथे तिमाही के जो अपडेट आ रहे हैं कंपनियाँ जारी कर रही हैं उससे शुरुआत करिए। जी बिल्कुल, टाटा मोटर्स फोकस में रहेंगे और यहाँ पे JLR के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स आए हैं और यहाँ पे रिटेल सेल्स में 30% का इजाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। ऑफकोर्स जो सप्लाई जो इश्यूज हो रही है आपकी चिप सप्लाई की वो रिकवरी करने मिल रही है, जो फ्री कैश फ्लो एक्सपेक्टेशन है वो लगभग $800 मिलियन है आपका पॉजिटिव नंबर आपके फोर्थ क्वार्टर को लेकर। टाइटन की बात करें, डबल डिजिट ग्रोथ अक्रॉस की बिजनेसेस देखने मिल रही है और ओवरऑल 25% का रेवेन्यू का ग्रोथ आया है और ये कंट्रीब्यूशन आया है वॉचेस वेरेबल्स और इमर्जिंग बिजनेस में। अगर ज्वेलरी बिजनेस की बात करें तो लगभग 23% का इजाफा देखने मिला है। इसके अलावा अदानी विलमार की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला हाई टीन्स में, हालांकि एडिबल ऑयल के जो है लगभग सपाट देखने मिले हैं ग्रोथ और जो आगे जाते हुए मैनेजमेंट कमेंट्री आई है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पैकेज्ड ऑयल और स्टेपल फूड्स यहाँ पे एक अच्छी डिमांड देखने मिले। शोभा की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वार्टरली सेल्स नंबर्स देखने मिले हैं और लगभग आप कह सकते हैं
30% से ज़्यादा का इजाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हुआ है और प्राइस रियलाइजेशन में भी बढ़ोतरी देखने मिली है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की बात करें तो यहाँ पे AUM और डिस्पर्समेंट्स में भी एक अच्छा उछाल देखने मिला है बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस और मंथ ऑन मंथ सिक्वेंशियल बेसिस। और इसके अलावा शेयर मेटालिक्स में बात करें तो सिक्वेंशियली देखा जाए तो स्पॉन्ज आयरन सेल्स में 15% का इजाफा देखने मिला है। बिल्कुल, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं जहां पर कि आज नजर आएगी JLR, टाइटन, श्याम मेटालिक्स और इसके अलावा अदानी विल्मर और सुबह जैसे कंपनियों ने भी अपने बिजनेस अपडेट जारी किए, तो यहां पर आप नजर रखिए। सर, इन सब के अलावा खबरों वाले शेयर्स आज कौन कौन से हैं? में देखें तो अजंता फार्मा का बायबैक इशू जो आज क्लोज होने वाला है, अब याद रखिए टेंडर रूट से होने वाला है। इसके अलावा गैस प्राइस कट्स, ऑफकोर्स जो किरित पारित कमेटी के जो इम्पैक्ट देखने मिल रहा है, यहाँ पे आप ऑफकोर्स देख सकते हैं कि MGL ने अपनी CNG प्राइसेस गिराई है, अदानी टोटल गैस ने भी जो है गिरावट की है। अब ये दोनों सेगमेंट CNG PNG सेगमेंट दोनों में है और जो है टोरेंट पावर जो उनकी आम है टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने भी जो है अपने सर्कल्स में प्राइस रिडक्शन की है। मुथूत फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की कमेंट्री आई है कि अच्छा बिजनेस इन्वायरमेंट में इम्प्रूवमेंट देखने मिला, कलेक्शंस में भी इम्प्रूवमेंट आई है और इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर हुआ है 22 रुपये प्रति शेयर का, जिसका लगभग 2.2% डिविडेंड यील्ड आएगा। और अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो थायरो केयर भी अपना डिविडेंड अनाउंस किया है लगभग 18 रुपये प्रति शेयर का और यहाँ पे जो डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है लगभग 4% का, तो इन दोनों स्टॉक्स को डिविडेंड यील्ड थीम पे भी आप ट्रैक कर सकते हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल से सुदर्शन केमिकल फोकस में रहेगा, यहाँ पे उनकी जो होली डामडे बिरला एस्टेट्स अब वो पुणे रेसिडेंशियल मार्केट में फोरे की है, एक लैंड पार्सल लिया है सुदर्शन केमिकल से और इसका जो रेवेन्यू पोटेंशियल है लगभग 2500 करोड़ का है, तो इसको ज़रूर फोकस में रखिएगा। RVNL और सीमेंस की JV को जो है लगभग 400 करोड़ का ऑर्डर आया है और वहीं पे PNC इंफ्राटेक की बात करें तो लगभग 800 करोड़ का ऑर्डर उन्हें भी मिला है। आयल केमिकल फार्मा में जो है विकास विज को CEO जो है अपॉइंट किया गया और ये जो थे लीडरशिप पोजीशन सिप्ला, सनफार्मा और रैनबैक्स जैसे दिग्गज कंपनीज में जो थे ये शामिल थे। लेमन ट्री होटल्स में बात करें तो JP Morgan ने थोड़ी अपनी स्टेक घटाई है, 3.23% से घटा के 3% कर दिया है और अप्रैल 5 को उन्होंने लगभग 18 लाख शेयर्स की जो है बिकवाली की थी ओपन मार्केट में। अल्केम लैब की बात करें तो इनको नील ऑब्जर्वेशन आया है फॉर्म 483 का USFDA द्वारा, उनके जो अंकलेश्वर फैसिलिटी गुजरात में है उसको लेके तो कह सकते हैं एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। ITC ने भी जो है पूरी 26% की जो अपनी इंटायर स्टेक जो JV में है स्पिरिट होटल्स में उसको पूरी तरह सेल किया है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स का इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट अपडेट आया है, अब यहाँ पे वो रेवेन्यू जो है लगभग 2 गुना बढ़ाना चाहते हैं अगले 4 साल में और 3 गुना अगले 6 साल में। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि EBITDA का भी टारगेट दिया कि वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे 25% के ऊपर रहने वाला है। और एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है कि कंपनी जो है QSR ब्रांड खोलने वाली है आपके एशियन कुजीन को लेके। मारुति सुजुकी के बोले तो वो एक्सपेक्ट करे कि SUV सेल्स को डबल हो जाएगी और इस बार जो है लीडरशिप पोजीशंस जो लगभग 25% का आंकड़ा है उस पर वो फोकस करने वाली है, हालांकि अभी जो नंबर्स है वो 10-12% का है, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। और इसके अलावा याद रखिए CNG प्राइसेस भी घट रहे हैं और सबसे बड़ा जो सप्लायर है कार्स का CNG स्पेस में वो है मारुति, तो उसमें भी ज़रूर आप फोकस रखिएगा, तो अहम ट्रिगर्स आ रहे हैं मारुति और अन्य ऑटो स्टॉक्स में। इसके अलावा CCL प्रोडक्ट्स फोकस में रहेगा, ये ऑफकोर्स एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी ज़्यादा है और इंटरनेशनल कॉफ़ी प्राइसेस पिछले हफ्ते जो है 7% का इजाफा हुआ है, अब इसमें जो है ग्लोबल कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स में दबाव देखने मिल रहा है, तो ये एक टाइप से पॉजिटिव देखने मिल सकता है कॉफ़ी एक्सपोर्टिंग कंपनीज के लिए। और शुगर स्टॉक्स में जो है लगातार रैली देखने मिली और इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस की बात करें तो वो 6 साल के हाई लेवल्स पे आ गई है, ग्लोबल सप्लाई वरीज चल रही है और भारत में भी थोड़ी प्रोडक्शन कम हो रही है, तो इसके कारण जो क्या हो रहा है कि जो प्राइसिंग हो रही है एक्सपोर्ट के लिए वो अभी भी अट्रैक्टिव है और अगर वहाँ एक्सपोर्ट क्वांटिटी में भी कटौती हुई तो इथेनॉल डाइवर्जन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि एनालिस्ट का मानना है कि इस शुगर सीजन में जो है एक अच्छी रैली शुगर स्टॉक्स में देखने मिल सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो CCL प्रोडक्ट्स, शुगर स्टॉक्स, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स भी आज फोकस में रह सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई खबरों वाले शेयर्स की, लेकिन जैसा कि हम आपको शो की शुरुआत में बता रहे थे कि ये हफ्ता नतीजों के लिहाज से भी अब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि अब अर्निंग सीजन शुरू हो चुके हैं। GM ब्रेवरीज के नंबर्स कुछ दिन पहले आए थे और अब इस पूरे हफ्ते जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो हम आपको एक एक करके बता देते हैं। 11 अप्रैल को डेल्टा कॉर्प के नतीजे आएंगे, इसके अलावा 12 अप्रैल को IT कंपनियों के रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके होंगे, जिसमें कि सबसे पहले है TCS और उसके अलावा आनंद राठी वेल्थ, तो ये दो कंपनियों के नतीजे
घोषित करेंगी। 13 अप्रैल को आएंगे इंफोसिस के नतीजे और 15 अप्रैल को HDFC बैंक अपने नतीजे घोषित करेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये पूरा हफ्ता। बड़े अर्निंग्स आ रहे हैं जिस पर की हमारी नजर रहेगी और उसका रिएक्शन बाजार पर देखने को मिल सकता है। शुरू करते हैं ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम टाटा मोटर्स के साथ। हम देख रहे हैं कि दो ब्रोकरेज नोट्स आए हैं। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी राय को अपग्रेड किया है, न्यूट्रल की राय से खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य दिया है 550 प्रति शेयर का, और बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 475 के टारगेट प्राइस के साथ। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि वॉल्यूम आउटलुक सुधरता हुआ नजर आ रहा है जैगुआर लैंड रोवर के लिए। मार्केट अंडर एस्टिमेट कर रहा है जैगुआर लैंड रोवर का ईबिट मार्जिन पोटेंशियल, और इसी के चलते उन्होंने FY 2024 और 2025 के ईबिटा अनुमान को 15% और 16% से बढ़ाया है। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि काफ़ी मजबूत वॉल्यूम और फ्री कैश फ्लो बीट नजर आया है JLR में, और एक्सेलरेटेड डीलेवरेजिंग के भी संकेत नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं दोनों ही ब्रोकरेजेस टाटा मोटर्स पर। इसके अलावा बंधन बैंक भी हमारे रेडार पर है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि बैंक अर्निंग्स कट साइकिल के अंत पर आ चुका है। इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ROA और ROE का बैंक सुधर सकता है FY 2024 और 2025 में। कलेक्शन एफिशिएंसी भी सुधर चुकी है 98.5% पर, और बैंक का उनका इसी के चलते उन्होंने इनफैक्ट अपग्रेड किया है बंधन बैंक को, न्यूट्रल की राय से खरीदारी की राय दी है, और इनफैक्ट वो करीब 31% का अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं करंट मार्केट प्राइस से। और आखिर में हम फोकस करेंगे ओवरऑल सारे बैंक्स पर। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, इनका कहना है कि जो NIMs फ्रंट पर हेडविंड्स नज़र आ रहे हैं वो मैनेजेबल है। लार्जली अगर देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज करने में ये साइकिल में काफ़ी अच्छे लेवर्स भी नज़र आ रहे हैं, और इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY 2024 में मार्जिन्स प्री कोविड पीरियड से भी और मजबूत हो सकते हैं। क्रेडिट ग्रोथ स्लो डाउन साइक्लिकल नज़र आ रहा है, और इसी के चलते वो बैंक्स को बैक कर रहे हैं रेजिलिएंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को लेकर। तो ओवरऑल अगर हम देखें कोटक महिंद्रा बैंक और SBI उनके कन्विक्शन लिस्ट में शामिल है, खरीदारी की राय इन दोनों स्टॉक पर है, मगर ICICI बैंक को उन्होंने अपने कन्विक्शन लिस्ट से हटाया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें ये थे सारे ब्रोकरेजेस जो आपके रेडार पर होने चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वामाक्षी सारी जानकारी देने के लिए। चलिए करते हैं क्विकली कमोडिटी मार्केट की तरफ, और हमारे साथ क्वर्जी ग्रुप से रवि द्योरा मौजूद हैं। रवि, आपके ट्रेडिंग कॉल्स आज क्या होंगे? आज के लिए दो रिकमेंडेशन मेरे रहेगी। गोल्ड एक प्री ओपन में थोड़ा नीचे ओपन होने के इंडिकेशन दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आज के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। अगर 60,300 पे मिलता है गोल्ड में बाय करें, 60,900 का इंट्राडे टारगेट रहेगा। 60,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप गोल्ड के जून कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकते हैं। वही मेटल्स में मार्जिनल रिकवरी की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, पर्टिकुलर जहाँ पे सप्लाई की दिक्कत है वहाँ पे ज्यादा फोकस पॉजिटिव साइड करना चाहिए। कॉपर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें, टारगेट इंट्राडे 780 रहेगा, 761 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप जा सकते हैं। तो आज के लिए दो रिकमेंडेशन रहेगी, दोनों खरीद साइड कॉपर एंड गोल्ड, जिसमें मेरे इंट्राडे में बाइंग साइड की रिकमेंडेशन रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए ये तो थे टॉप पर ट्रेडिंग कॉल्स। जाते जाते एक बार आपको वापस से SGX निफ्टी दिखा देते हैं, और इस वक्त सपाट ही कारोबार कर रहा है 17,700 के पास।